Good afternoon. We will wait for about a minute for others to join and then we will start. Please keep your videos on, that's mandatory. Okay, we'll start. Switch on your videos or else you will not get attendance and it is compulsory for your exams. Okay, so keep your videos on. Okay, so today we will start a new chapter. Aaj hum jo naya chapter shuru karne wale hain, wo hai about the nucleus of the atom. Theek hai? तो अभी हमने क्या पढ़ा, इससे पहले चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ा. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हमने क्या पढ़ा कि एक बहुत डेंस न्यूक्लियस होता है जो लगभग 1,00,000 गुना जिसका रेडियस कम होता है एटम के पूरे साइज से और चारों तरफ जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. ठीक है, जो हमने प्लेनेटरी मॉडल भी पढ़ा जो रदरफोर्ड ने दिया था, उसके बाद हमने उसका सेमी क्लासिकल सेमी क्वांटम मॉडल भी पढ़ा जो बोहर ने दिया था. ठीक है, तो नील्स बोर का मॉडल था जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा समय स्पेंड किया पिछले चैप्टर में. अब जो है हम इस चैप्टर में वी विल डीप डाइव एंड हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है. न्यूक्लियस के बारे में अभी तक हमने ज्यादा बात नहीं की है. ये न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है और न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन की वजह से जो फिनोमिनन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. रेडियो एक्टिविटी जो आप सब जानते हैं कि क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, राइट, कि देयर आर पार्टिकल्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, वो वाला जो पार्ट है वो इस साल हमारे कोर्स में नहीं है तो वो हम आज नहीं करेंगे. ठीक है, तो उसको हम बाहर ही रखेंगे जो कोर्स में नहीं है. अगर समय बाद में मिलता है आपकी नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे. ठीक है, तो उस पार्ट को छोड़कर बाकी पार्ट करेंगे. रिड्यूस सिलेबस की वजह से ये चैप्टर थोड़ा छोटा हो जाता है यूजुअल ईयर्स से. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये समझकर कि जो रिलेटिव मास होता है वो क्या होता है. ठीक है, तो जब हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, राइट, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन द ऑर्डर ऑफ 10^-27 किलोग्राम्स एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है इस रेंज में, विच इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, तो इसको अगर हम किलोग्राम्स में बार बार मेजर करें या ग्राम्स या मिलीग्राम्स या इवन नैनोग्राम्स में, तो वो जो नंबर्स होंगे वो हमारे को बोलने में लिखने में इतने आरामदेह नहीं रहेंगे. तो हमने एक रिलेटिव मास यूनिट बना ली. ठीक है, जो एसआई यूनिट तो नहीं है, लेकिन जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका काफी यूज करेंगे. ये रिलेटिव है. रिलेटिव किससे है? कार्बन 12 एटम, राइट. तो कार्बन 12 जब इस तरह से हम लिखते हैं, कार्बन 12, राइट, तो ऊपर हमने 12 लिखा, यहां कार्बन लिखा, इससे पता चल गया ये कार्बन है.
और 12 का मतलब होता है कि जो इसका मास नंबर है वो क्या होता है, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप क्योंकि छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ये वर्ड्स, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये मास नंबर है इसका, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर आइसोटोप है कार्बन का, ओके। तो इसका 1/12 जो है उसको हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारा रिलेटिव मास, ठीक है। इसको एब्रीविएट कर दिया AMU, ठीक है। तो ये वाली हम काफी समय तक जो है AMU यूज करते थे, लेकिन जो मॉडल है इसका नोटेशन वो है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम केवल यू से लिखते हैं, ठीक है। ऑल्दो AMU लिखना गलत नहीं है, मगर आप यू लिखिए कम से कम फिजिक्स में, ठीक है। तो एक यू किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, और वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक बहुत ही छोटी यूनिट आती है, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ठीक है। तो अब हम ये चीज का कभी कभी यूज करेंगे, ये हमें बस जस्ट पता होना चाहिए, हम इसके हिसाब से ज्यादातर बातचीत करेंगे। अब जो क्वेश्चन आता है कि अगर एटॉमिक मास यूनिट इज रिलेटिव टू 1/12 ऑफ द कार्बन, एंड द रीजन वी मेड इट दैट वे वाज कि ये एक इंटीग्रल नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब हम उसको एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजों का जो मास है, एटॉमिक मास जब हम कैलकुलेट करते हैं वो फ्रैक्शनल आता है, ठीक है। जैसे कि रफली द मास ऑफ क्लोरीन कम्स आउट टू बी रफली ओके 35.5 ओके रफली 35.5 U। आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करते हैं आप उसमें यही मास लेते हैं क्लोरीन का, राइट। सो द क्वेश्चन इज कि ये 0.5 कहां से आ गया, तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स, ओके। सो आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब सेम और टोप का मतलब प्लेस। तो ये वो एटम्स हैं जो सेम प्लेस लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अब अगर कार्बन के आइसोटोप्स हैं जिनका मास 12U है, 11U है, 13U है, मान लीजिए इतने सारे उसके आइसोटोप्स हैं, तो वो सब के सब आइसोटोप्स हम केवल कार्बन लिखकर एक बॉक्स में लिख देते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। तो इसलिए ये सारे आइसोटोप्स एक ही प्लेस लेते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इनको कहा जाता है आइसोटोप, ठीक है। तो अब डिफरेंट आइसोटोप्स का अलग अलग मास होता है, ठीक है। तो अगर हम क्लोरीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके जो आइसोटोप्स हैं उसमें एक आइसोटोप का जो मास है वो 35U है, एक का 37U है अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली बहुत एक्यूरेट मेजर करने से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। तो 35U है और 37U है, एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस का क्या मतलब है कि अगर हम 100 एटम क्लोरीन के उठाएं कहीं से रैंडमली, 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन हम कहीं से उठाएं रैंडमली, तो उसमें से लगभग 75 एटम्स का मास तो होगा 35 और 25 एटम्स का मास होगा 37, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस, कि जब हम एक रैंडम सैंपल उठाते हैं तो उसमें कितने एटम्स किस मास के हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। वो है 75.4 रफली 75% एंड 24.6 रफली 25%, राइट। फिर अगर हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे,
इनका हम एवरेज एटॉमिक मास। एक्सक्यूज, हाँ एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर। सर ये एक बच्चा है जिसका वो आ रहा है, मैं पागल नहीं हूँ, इसको रिमूव करिए सर। अच्छा अच्छा हाँ आई डोंट नो। हाँ इसको रिमूव कर दो। ठीक है सर, ठीक है कंटिन्यू करिए सर। ठीक है ओके थैंक यू सर। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, इनका वेटेड मीन लेकर। वेटेड मीन का मतलब क्या हुआ कि हमने रिलेटिव अबंडेंस इनटू इट्स मास प्लस द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अनदर आइसोटोप इनटू इट्स मास डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल रिलेटिव अबंडेंस जो है सम करके 100 आना ही चाहिए। डिवाइडेड बाय 100 वी गेट आवर एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का, ये हमें आना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये हमें जरूर करना आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आइसोटोप्स आखिर होते क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक ही एटम के अलग अलग मासेस होते हैं, राइट? जबकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट में फिक्स्ड है तो उसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फिक्स्ड है, राइट? अगर दोनों ही उसमें फिक्स्ड हैं तो फिर उनका मास अलग क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव, राइट, विच गिव्स इट दैट पॉजिटिव चार्ज, और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं जिससे उसको नेगेटिव चार्ज आता है और सम टोटल जो है उसका न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और पार्टिकल्स होते हैं जिनका की मास लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही होता है लेकिन उनपे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, और इनकी प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि ये उसके चार्ज इक्वेशन को तो डिस्टर्ब करते नहीं है, तो इनकी प्रेजेंस उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती, जो केवल इलेक्ट्रॉन्स और वो भी खासकर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए वो होने को एक ही एलिमेंट है विद वेरी सिमिलर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लेकिन जो है ये उसके मास को बदल दे, ठीक है, तो इनको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ये शुरू में आइडेंटिफाई नहीं हो पाए काफी समय तक क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं था। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स डन काउंटेड ऑन मेजरिंग द चार्ज, और वो इनपे क्योंकि चार्ज नहीं था तो दे कुडंट इजीली बी आइडेंटिफाइड, लेकिन जेम्स चैडविक ने जो है इनको लेटर डिटेक्ट किया। ये जो मास एनोमली है न्यूक्लियस की, ये ऑलरेडी नोन थी, पीपल वर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई, एंड इवेंचुअली जेम्स चैडविक गेव दैट आंसर। ओके, सो हाउ डिड द न्यूट्रॉन्स गॉट डिस्कवर्ड, व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ चैडविक इन saying that these are neutral particles. तो क्या था कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिस तरह का कि हम एक्सपेरिमेंट पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें अल्फा पार्टिकल से किसी भी न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल जनरेट किए और ये अल्फा पार्टिकल जाके बेरिलियम मेटल से टकराए, राइट? जब ये इससे टकराए तो इसमें से रेडिएशंस निकल के आए जो कि न्यूट्रल थे, राइट? हाउ डू वी नो दे वर न्यूट्रल, बिकॉज दे वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, दे वर नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑफ दोस, सो वी न्यू दे वर न्यूट्रल, एंड दे वर प्रीटी हाई एनर्जी आल्सो। नाउ दे वर सो हाई एनर्जी एज सच दैट व्हेन दे वेंट अहेड एंड दे collided with nucleus of other atoms, ठीक है,
तो क्या हुआ, उनमें से प्रोटॉन्स एमिट हो गए। प्रोटॉन्स को हम पहचानते थे, प्रोटॉन्स को हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें से प्रोटॉन्स निकल के आ रहे हैं। जब ये पार्टिकल्स जो यहां से निकले, ये जाके यहां टकराए। लेकिन उस समय जो नॉन फिजिक्स थी, उसके हिसाब से कोई भी चीज न्यूट्रल निकल के आएगी यहां से, तो उसको हम मान लेते थे ये ईएम वेव्स रही होंगी, बिकॉज वी न्यू ईएम वेव्स आर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरू शुरू में साइंटिस्ट्स ने समझा कि ये जो रेडिएशंस हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक इश्यू था कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है विद एनर्जी ऑफ गामा वेव्स, ओके, इवन देन दे कैन नॉट हैव इनफ एनर्जी टू नॉक आउट प्रोटॉन्स, ठीक है। इतनी एनर्जी तो ये गेन नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी वर जस्ट बम्बार्डिंग देम विद अल्फा पार्टिकल्स। तो अगर अल्फा पार्टिकल अपनी पूरी एनर्जी भी इनको दे दे, तो भी दैट एनर्जी वॉज नॉट सफिशियंट for gamma particles or gamma waves, gamma photons to knock off the protons out. Okay, based on this observation and more scientific work, Chadwick ne kya propose kiya ki actually these are not electromagnetic waves. These are made up of neutral particles, and later these neutral particles were named as neutrons. Okay, and we today know the mass of neutron quite accurately, which is roughly 1.008665 U, okay, and in kgs it is 1.6749, which looks like the mass of a proton also. So at this level it doesn't look like very different, but it is slightly higher than the mass of a proton. ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये एक्चुअली अनस्टेबल होते हैं बाय देमसेल्व्स। तो इन देयर फ्री फॉर्म न्यूट्रॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर टू लॉन्ग। देयर एवरेज पीरियड इन विच दे विल ब्रेक डाउन बाय देमसेल्व्स इज अबाउट 1000 सेकेंड्स, ओके। सो इन दैट much time, which is not a lot of time, right, which is jo hai less than an hour, about 20 minutes or so, right, usme ye khud hi break ho jate spontaneously, right, and when they break they give out a proton and electron. So this proton and electron together with their positive and negative charge were given it a neutral composition, ठीक है। प्लस इट ऑल्सो गिव्स आउट अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज एंटी न्यूट्रीनो, ओके। एंटी न्यूट्रीनो इज यूजली रिटन एज न्यू विद अ बार, ओके। इट इज स्टेबल हाउएवर ओनली विद इन द न्यूक्लियस, व्हेन इट इज इनसाइड न्यूक्लियस इट इज वेरी स्टेबल, ओके। सो न्यूक्लियस डोंट स्टार्ट एमिटिंग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक दिस, ओके। So if the question asked is, are neutrons stable particles? Okay, the answer is in their free form they are not stable particles. They decay into a proton, an electron, and an antineutrino within a half-life period of 1000 seconds. Okay, but within nucleus they are very stable, impeccably stable. Okay. चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं, ये चार टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास की तो बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और जो अगर एक एटम है जो न्यूट्रल है, एटम बाय नेचर इज न्यूट्रल, राइट, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस भी होता है, राइट।
But the definition as such of atomic number is given by protons. Okay. Now, the second number we should know is the mass number, okay, which is denoted by A. Okay. And it is equal to the number of protons and the number of neutrons all put together. Okay. So this thing, okay, protons and neutrons, they both reside within the nucleus. So sometimes they are also called as nucleons. Okay. They together are also called as nucleons. And hence, sometimes you would read as that mass number is the number of nucleons in a nucleus. Okay. तो वो हो गया मास नंबर, इसको हम ए से डिपिक्ट करते हैं. और तीसरा नंबर है एन, कैपिटल एन, विच इज द न्यूट्रॉन नंबर, वो जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है. ठीक है, तो जो हम देख सकते हैं विच इज मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर. ठीक है, ये नंबर जो है ये बहुत रेयरली हम बात करेंगे इसकी, लेकिन आपको याद होना चाहिए अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए या कुछ. ठीक है, तो याद तो आप इसे रखिए, लेकिन हम ज्यादातर Z और E की ही बात करेंगे. ठीक है, और अब चीज है एटॉमिक मास, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. एटॉमिक मास क्या होता है? ये एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ अ गिवन सैंपल होता है. एक एलिमेंट का हम रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं और उसके बाद जो हम एवरेज मास उसका कैलकुलेट करते हैं वो एटॉमिक मास होता है. ठीक है, तो एक्चुअली जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं या फिर आई वुड से जब हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं तो उसमें आइसोटोप्स यूजुअली मिक्स्ड होते हैं अंटिल अनलेस वी हैव ऑलरेडी सेपरेटेड द आइसोटोप्स. तो हमें डायरेक्टली जो एटॉमिक मास मिलता है स्पेक्ट्रोग्राफी या किसी भी और तरीके से, तो वो जो होता है यूजुअली ये एवरेज मास होता है. ठीक है, तो हमें एवरेज मास जो है यानी एटॉमिक मास और मास नंबर में कंफ्यूज नहीं करना है. ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, हमें इनमें कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है ना, तो क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें पता होने चाहिए कि एटॉमिक मास एवरेज होता है, वेटेड एवरेज मास ऑफ वन एटम होता है, जबकि मास नंबर इज द सम ऑफ protons and neutrons in the nucleus. The second thing is the unit of atomic mass, okay, the common unit is U, which is atomic mass unit, unified atomic mass unit, or it could even be written in kgs, for instance, right? Because it is mass. But mass number is just a number, it has no units, right? So these A and atomic mass are very different things. We should not confuse them. Okay. Okay. Now let's look at this representation. Right. So hum, kyunki is chapter mein we are very interested, right, in knowing the mass of the nucleus, right? Chemistry mein aap jyadatar atomic number se hi deal karte hain. Jis tarah se yahan pe hamare liye मास नंबर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? सो हम किस तरह से लिखते हैं? अगर मान लीजिए हमें क्लोरीन का एक आइसोटोप लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको? हम यहाँ पे तो लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर हमने लिख दिया मान लीजिए एटॉमिक मास, द मास नंबर, सॉरी, राइट? तो इस तरीके से हम लिखते हैं, ये फॉर्म आपको पता होगा. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और रेफरेंस बुक्स को, खासकर अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग कंट्रीज की आप रेफरेंस बुक्स देख रहे हैं तो कभी कभी इनमें थोड़ा वेरिएशन होता है. जैसे कि कुछ बुक्स में यू विल फाइंड दिस नोटेशन आल्सो, ओके, एंड देयर इज अनदर नोटेशन व्हिच यू विल फाइंड इन ओल्डर बुक्स व्हिच इज रिटन लाइक दिस, राइट? तो अगर आप उन बुक्स को रेफर कर रहे हैं तो आपको वो समझना चाहिए. लेकिन जहां तक बात हमारी एनसीईआरटी की बुक या सीबीएसई की है तो यही नोटेशन हमारे लिए समझना काफी. ठीक है, तो अब अगर मैं आपको ये नोटेशन में कोई चीज देता हूं तो आप ए तो डायरेक्टली रीड कर सकते हैं मास नंबर,
जेड उसमें से डायरेक्टली रीड कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एन कोई पूछ ले कि निकालिए इसमें से एन, तो वो आप ए माइनस जेड करके निकाल सकते, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न थ्री मोर टर्म्स दैट वी शुड नो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, राइट। सो आइसोटोप इज अ टर्म यू हैड बीन हियरिंग अबाउट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो इन द पास्ट, सो यू वुड ऑलरेडी नो वॉट आइसोटोप्स आर। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर्स, ओके। और अगर हम इसको सिंबॉलिकली बोलें तो जिनका Z सेम होता है बट A डिफरेंट होता है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स लाइक हाइड्रोजन, ओके, हैज थ्री आइसोटोप्स, ओके, द प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ओके। प्रोटियम हैज ओनली वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, and deuterium has one neutron and one proton, and tritium has two neutrons and one proton in its nucleus, okay, but all of them are chemically hydrogen, theek hai। Gold actually has 32 isotopes, so jo heavier elements hain unke kafi zyada isotopes hote hain। Some of the isotopes are naturally occurring, some of them may be artificially produced also, some can be stable and some can be unstable, okay, but in total gold has 32 counted isotopes, okay, which range from a mass number of 173 to 204, theek hai। Ye examples hain, aisa nahi hai ki aapko ye ratne hain, but ek do example yaad hona achhi baat hai, theek hai। Ab dusri term dekhte hain, isobar, ठीक है। बार वर्ड आपको इसका आइडिया देगा कि आइसोटोप क्या होता है। बार का मतलब होता है भेद, ओके। तो इसका मतलब वो है कि दो एटम्स जिनका सेम वेट हो बट दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि डिफरेंट जेड बट सेम ए, ओके। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं या फिर न्यूक्लाइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स, ठीक है। तो जैसे कि जो ट्रिटियम है इसका जो मास है वो तीन, मास नंबर इज थ्री। उसी तरह से हीलियम का लाइटर आइसोटोप होता है जिसका कि मास होता है तीन, मास नंबर तीन। तो ये दोनों जो है हमें केवल ये देखना है कि ये सेम हो और ये डिफरेंट हो, राइट। तो ये दोनों बन गए हमारे आइसोबार। नाउ अगेन अ थर्ड टर्म, रिलेटिवली लेस यूज्ड बट वी शुड नो, इज आइसोटोन। आइसोटोन इज टू एटम्स व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ए माइनस जेड जो वैल्यू आती है वो सेम होनी चाहिए, ओके। जैसे हमने एग्जांपल यहां दिया है, एक गोल्ड और एक मर्क्यूरी के आइसोटोप्स हैं दोनों के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम करें 179 माइनस 79 197 माइनस 79, व्हाट डू वी गेट, राइट। एंड 198 माइनस 80 इज ऑल्सो, सो द एन फॉर बोथ इज सेम एंड हेंस दे आर आइसोटोन्स, ओके। सो आपको ये तीन टर्म्स आने चाहिए। नाउ लेट्स डू अ क्विक क्वेश्चन टू चेक आवर नॉलेज, ओके। हु विल हेल्प मी डू दिस, बेटा आप में से किसी का वीडियो ऑन नहीं है तो यू विल स्टिल नॉट गेट अटेंडेंस। आपको ये बात नहीं समझ आ रही है, पता नहीं क्यों।
विदाउट अटेंडेंस यू विल बी बार्ड फ्रॉम राइटिंग योर बोर्ड एग्जाम, आपका साल खराब हो सकता है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? Can you please switch on your videos now? If you switch on your videos now and keep them on, okay, till the end of the class, I will give you attendance today. Okay, although it has to be on for the entire duration. Lekin aap abhi bhi on karke till the end you have to keep it on. Please switch it on. Sumit, Sonali, Meenakshi, Mansi, Anubha, Vasu, please switch it on. Okay. Whoever keeps it on, at least again, other than Mavish, everybody has turned it off. Okay. Identify isotopes, isobars, and isotones from the following list. ठीक है, हमें इसमें से आइसोटोप्स ढूंढते हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स में क्या होता है कि बहुत आसान है कि जब एटॉमिक नंबर सेम, राइट? ई वाज मिसिंग, ओके। सो वो क्लियरली ये है, राइट? सो दीज आर आइसोटोप्स। सिमिलरली these are isotopes and these are also isotopes. Okay, तो हमारे पास तीन सेट आ गए आइसोटोप्स के, ये पहला सेट, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं आइसोबार्स। आइसोबार का मतलब जिनका मास नंबर सेम। ठीक है, तो वन तो किसी और का है ही नहीं, टू भी किसी का और का नहीं है, थ्री इसका और इसका है। ठीक है, और किसी का थ्री नहीं है, तो ये हो गए हमारे आइसोबार। ठीक है, अब फोर किसी और का नहीं है, सिक्स लेकिन इन दो का है, तो ये हो गए हमारे आइसोबार का दूसरा सेट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द आइसोटोन्स। ओके, हाउ विल वी फाइंड द आइसोटोन्स? वी विल हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, राइट? इसमें तो न्यूट्रॉन्स है नहीं, इसमें एक है। अब एक एक न्यूट्रॉन कहां पे है वो ढूंढते हैं। थ्री माइनस वन इज ऑल्सो वन। ओके, there is nothing else where the subtraction yields us one. So this and this are isotope. Okay, now this has two neutrons and this also has two neutrons. Okay, nothing else has two neutrons. So this and this are isotope. Okay, now this is done, this is done, this has four neutrons, nothing else has four neutrons, and this, no other isotones exist. Okay, so this is what we identified as isotopes, isobars and isotopes. Okay, this is a very very easy concept, right? So I am assuming you understood this. If anybody has any doubts, कोई भी इनमें से टर्म समझ नहीं आया है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो प्लीज पूछ लो बेटा, कोई पूछने में कोई बुराई नहीं है। Anybody has a question? Okay. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब हमें पता चल गया है कि न्यूक्लियस जो है उसमें दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है।
ठीक है, कितना ज्यादा होता है रफली, बिकॉज इट हैज अ इलेक्ट्रॉन आल्सो एम्बेडेड इन इट, राइट? सो वो थोड़ा सा उससे हैवी होता है. ओके, सो अब साइज ऑफ न्यूक्लियस का आइडिया कैसे लगाया जाए, राइट? तो साइज ऑफ न्यूक्लियस का जो सबसे पहले आइडिया किसने लगाया, रदरफोर्ड ने लगाया, राइट? तो जब हमने अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा रदरफोर्ड का, तो उसने क्या किस तरह से किया, उसने कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है और ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, राइट? तो ये ऐसे आएगा और एक पॉइंट तक आके इट विल कम बैक, राइट? तो ये जो पॉइंट है जहां तक ये आ सकता है, उसको उसने कहा कि ये जो है ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, और ये उसने क्लासिकल जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया, राइट? कि तो बेसिकली ही यूज द अल्फा पार्टिकल्स विच हैड द एनर्जी ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड विद दैट द दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वॉज फाउंड टू बी 4×10⁻¹⁴ meter. Okay, but the nucleus has to be much smaller, right? Because this is not really the size of the nucleus. This is where these particles came back from, right? So ये एक closest approach जरूर है, लेकिन ये size of the nucleus नहीं है जो कि रदरफोर्ड ने एस्टिमेट किया था, ठीक है? तो अब क्या किया गया, ये किया गया कि इस एनर्जी को बढ़ाते गए, ठीक है? इस एनर्जी को अगर हम बढ़ाते गए तो ये ऑब्वियसली इट केप्ट कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर देन दिस, एंड एक समय आया कि एनर्जी इतनी हो गई कि उसको प्योर कूलम्ब फोर्स पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, डिविएशंस आने लगे फ्रॉम प्योर कूलम्ब फोर्स. सो दैट इज द पॉइंट वेयर यू कैन एज्यूम दैट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कम इनटू प्ले एंड द कूलम्ब फोर्स बिकम्स लेस सिग्निफिकेंट. ओके, सो that gives us a better estimate of the nuclear size. ठीक है, फिर जो है उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद और भी better estimate लेने के लिए, okay, what was done was that rather than using the alpha particles, fast moving electrons were used. बिकॉज अल्फा पार्टिकल का अपना साइज जो होता है वो भी इंटरफेयर करता है इस कैलकुलेशन, तो इसके जगह हमने यूज किए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विच आर मच स्मॉलर एंड लाइट, राइट? टू अगेन फाइंड द सेम साइज, एंड इवेंचुअली वी फाउंड दैट द साइज वॉज इक्वल टू रफली